श्री राम समर्थ December 9। अभिमान न रखे, निंदा न करे। सच देखे तो देह बुद्धि का जोश होने का कारण हमारा अभिमान है। अभिमान के कारण यदि सद्गुण कम होने लगे तो क्या फायदा। ज्ञानी और अज्ञानी, इनमें मूलतः अंतर यह होता है कि ज्ञानी अभिमान छोड़ देते हैं और अज्ञानी लोग उसे बढ़ाते हैं। अभिमान जैसा कोई बड़ा शत्रु नहीं है। अंतरंग के इस शत्रु का हमें पता लगाना चाहिए और उसका उचित प्रबंध करना चाहिए। केवल सत्कर्म करने से अभिमान नहीं जाता, सांप को दूध पिलाने से उसका जहर ही बनता है। अभिमान को कोई भी कृत्य अर्पित करो, वह बढ़ता ही जाता है। इसलिए सत्कर्म करना छोड़ दे ऐसा नहीं है, किंतु अभिमान न करते हुए कर्म करे। मैं करता हूँ यह भावना छोड़ दे। अभिमान अपने साथ बरही के दिन से आता है और अंत्येष्टि तक अपने साथ रहने का प्रयत्न करता है। अतः नाम रूपी अंकुश की सहायता से उसे योग्य समय पर ही खदेड़ भगाना चाहिए। हमारे अंतःकरण में निंदा की गंदगी है, यानी हमारे कुएं में खारा पानी है। मान लो हम ऊपर का खारा पानी निकाल दे और ज्यादा गहरा खोदे तो संभव है मीठे पानी का झरना फूट निकले, तब उस कुएं का पानी मीठा हो जाए। उसी प्रकार यदि हम अभिमान छोड़ दे, निंदा करना बंद कर दे और अंतर्मुख होकर भगवान को खोजे तो उसके प्रेम का झरना फूटेगा और हमारा अंतःकरण उस प्रेम से भर जाएगा। हम लोगों में कहावत है कि जो कुएं में होता है वही डोलची में आता है। कुएं में खारा पानी होगा तो वही डोलची में आएगा। यह जैसे सत्य है, वैसे ही हमारे मन में जो होता है वही हमारी वाणी से बाहर आता है। बोलने से मनुष्य के अंतःकरण की परीक्षा होती है। जिसे निंदा करने में मजा आता है उसके अंतःकरण में गंदगी होती ही है। कुछ लोग, उन्हें दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। दूसरे का भला उनसे देखा नहीं जाता। कुछ लोग अपने पर दोष न आए इसलिए दूसरे की निंदा करते हैं। कुछ लोगों की तो दृष्टि ही ऐसी बुरी होती है कि किसी में दोष हो या न हो, उन्हें तो दूसरे में दोष ही दिखाई देता है। तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले को दूसरे में दिखाई देने वाले दोषों का बीज अपने में है, यह याद रखकर बरतना चाहिए। वह दूसरे की निंदा न करे और अपनी सामर्थ्य का अथवा अपने गुणों का अभिमान भी न करे। लोग जो न करे ऐसा हमें लगता है, वह हम खुद न करे। गृहस्थी का सहवास ऊपर ऊपर का हो, उसकी गंध या निवास भीतर न हो। भगवान का ही निवास भीतर हो, उससे भीतर के सभी दोषों का उच्चाटन होगा और मन को शाश्वत शांति का लाभ होगा। आज का मुख्य विचार, दोष कहना और बोलना हीनता का लक्षण है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.